दूसरों की मन की बात कैसे पढ़ें। जब आपने इस टाइटल को पढ़ा होगा तब आपके दिमाग में आया होगा कि यार फैक्टिक ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुना है, या फिर आपने तो इसे सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा। शायद आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये असल जिंदगी में हो ही नहीं सकता, पर दोस्त इस दुनिया में ऐसी कई चीजें पॉसिबल यानी संभव है जो आपको नहीं पता। पर मैं हूँ ना तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको YouTube पे वो चीजें बताता हूँ जो और कोई नहीं बताता। मैं एक साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक व्याख्यान के साथ यानी साइंटिफिक प्रूफ के साथ आपको इन चीजों को बताता हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ वो 100% साइंटिफिक होती है और हर बात का मैं साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाइड रहो इन्फॉर्मेशन से। इस वीडियो को एंड तक देखो और लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन काम की थी। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि कमाल की इन्फॉर्मेशन कमाल का ज्ञान आपके हाथ आने वाला है। क्या आपने कभी हिप्नोटाइजिंग के बारे में सुना है? किसी को हिप्नोटाइज करना मतलब किसी को सम्मोहित करना, ये एक्चुअली एक माइंड की सुपर पावर है जिससे आप एक तरह से एक टेक्निक के जरिए दूसरों की मन को कंट्रोल कर सकते हो। टेलीकिनेसिस के बारे में सुना है? ये आपके दिमाग की दूसरी शक्ति है। टेलीपैथी, हाँ ये भी एक है। और सबसे मजेदार है दूसरों की मन की बात पढ़ना जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं। आपके ब्रेन के यानी दिमाग के अलग अलग लेवल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सब कॉन्शियस माइंड। पर आज आप जान लो इसके ऊपर और भी लेयर्स है। सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस होता है और लास्ट में एंड में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। आपका दिमाग जनरली इस स्टेज पे होता है, ये कॉन्शियस स्टेज पे, इस लेवल पे आप हमेशा रहते हो। मैंने आपको सब कॉन्शियस माइंड के बारे में फैक्ट्स बताया ही है, उससे आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। वो तो बस एक पार्ट था, वो शक्ति सिर्फ एक बूंद थी। तो फिर आप खुद ही सोचो कि अगर आप सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर चले गए तब आप क्या क्या पा सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो। इस दुनिया में आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है ये तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कर सकते हो, पर दूसरों का दिमाग पढ़ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल से जुड़ा हुआ है। मतलब जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे तब आप ये कर पाओगे। और टेलीपैथी यानी दूसरों के मन में किसी संदेश को भेजना बिना उस इंसान से बात करे, ये आता है सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पे। ऐसे देखना, जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तब हमें कुछ कुछ समझ आता है कि ये क्या सोच रहा है, इसका मूड अंदर से कैसा होगा। जैसे आप इस इंसान की इमेज को देखो, जाहिर सी बात है इसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये इंसान थोड़ा दुखी है। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी अवलोकन शक्ति ज्यादा है तब आप किसी को देख कर ही समझ जाते होंगे कि वो कोई दुख की बात को सोच रहा है या फिर दुख की बात को फील कर रहा है। पर अगर आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि वो क्या सोच रहा है तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के स्टेज पे जाना होगा। और इसका एक ही तरीका है, अपने दिमाग की जीरो थॉट की स्टेट में घुसना। मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है पर मैं इसे आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी एकदम चमत्कारी हो जाए। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप अपने दिमाग को शांत करके उस जीरो थॉट में घुस गए तो आप किसी भी इंसान की मन की बात पढ़ सकते हो और ये भी जान सकते हो कि वो अब आगे क्या बोलने वाला है। आप उस जीरो थॉट में कैसे घुसोगे? तो इसका आंसर है बीइंग कम्प्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाओ। आपको तो अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाना है, मतलब आप अवेयर हो इस फीलिंग को ऊपर ले जाना है, आप हो इस फीलिंग को ऊपर ले जाना है, तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी। आप अभी अपने मन को शांत करो, करो अभी करो। अब मैं कुछ अफर्मेशंस कहता हूँ। आप यहाँ पे हो, आप कॉन्शियस हो, आपको पता है कि आप हो, आप यहाँ पे हो, आप कॉन्शियस हो, आप इस जगह पे हो, आप एग्जिस्ट करते हो, आप हो। तो ये जो फीलिंग है, ये आई वाली फीलिंग, ये मैं वाली फीलिंग, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं वाली फीलिंग पे आप पूरी तरह से फोकस करो। जब आप अपने आप पे फोकस करते हो तब आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी बढ़ती है। आप अपने आप पर फोकस करके अपने आप को ही ऊर्जा दो, फिर आप एक अलग ही एनर्जी को फील करोगे। कॉन्शियस होते 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 आखिर में वो एनर्जी जमा यानी कलेक्ट हो जाएगी और आप इतने कॉन्शियस हो जाओगे कि आप नॉर्मल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के सब कॉन्शियस माइंड की स्टेज में चले जाओगे और आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लोगे।
और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सुपर कॉन्शियसनेस के स्टेज में पहुंच जाओगे, और उसके बाद भी आप करते रहोगे तो आप फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के स्टेज में चले जाओगे, और इसी स्टेट में जाने के बाद आपके पास वो शक्तियाँ आ जाएगी जिससे आप दूसरों की मन की बात पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भी आप नहीं माने और अगर आप ये टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहें तो आप आखिर में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंच जाओगे, और उस स्टेज में आपकी जो शक्तियाँ बढ़ेगी उसकी कोई हद नहीं, आप अल्टीमेटली इनलाइटेंड हो जाओगे। पर इनलाइटनमेंट एक अलग ही टॉपिक है और उसके लिए मुझे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि अगर आपने इसे प्रैक्टिस कर भी लिया तो आप जानोगे कैसे कि आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे ऊपर उठ रहे हो? इसका आंसर ये है कि इसे प्रैक्टिस करते करते जब आप अपने शरीर के अंदर ये नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, आप खुद ही अजीब फील करोगे। किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपके अंदर से खुद आवाज आने लगेगी कि आपकी कॉन्शियसनेस की लेवल बढ़ रही है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। पर अगर मैं इस प्रोसेस, इस टेक्निक की बात करूं, तो आप लोगों में से कुछ लोग मेरी बातों को अपोज करेंगे और कहोगे कि वी वांट प्रूफ। तो भाइयों, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो साइंस यानी विज्ञान की एक फील्ड जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब किसी चीज को कोई नहीं देख रहा होता है, कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, कोई उसे देखने वाला नहीं होता है, तब वो एक वेव की फॉर्म में होती है, पर जब आप इसे देख रहे होते हो तो वो एक पार्टिकल के रूप में आ जाती है। इसे आप भी किसी भी चीज को पाने में इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिस चीज पर ज्यादा देर तक फोकस करते हो वो पहले वेव के फॉर्म में आपकी दिमाग की एक डिजायर, एक चाह रहती है, और सोचते सोचते जब आप उसका ऑब्जर्वर बन जाते हो, जब आप उसे एनर्जी देते हो, तब वो आपको एक सॉलिड रूप में मिल जाती है, पार्टिकल के रूप में मिल जाती है। ये अलग कंसेप्ट है। ये थी सबकॉन्शियस माइंड के पीछे की कॉन्सेप्ट, पर इस दिमाग पढ़ने वाली कॉन्सेप्ट में भी वो वैसे ही काम करती है। उस जीरो थॉट की स्टेट में आप दूसरों की वाइब्रेशंस को फील कर सकते हो, आप उस इंसान के दिमाग की वाइब्रेशंस को रीड कर सकते हो, और वो वाइब्रेशन जब आपके दिमाग में आती है तब वो एक वेव से एक सेमी वेव और सेमी पार्टिकल यानी आधी वेव और आधी पार्टिकल बन जाती है, और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में जब वो जाती है तब आपको पता चल जाता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो मैंने मान लिया कि उस शरीर की वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचती है, पर ऐसा तभी ना हो सकता है जब दो शरीर के बीच में आपस में कोई कनेक्शन हो। तो आप बिल्कुल सही हो, कनेक्शन है पर आपको दिखती नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवा होती है पर आपको दिखती नहीं। और विज्ञान की क्षेत्र में क्वांटम फिजिक्स इसका भी एक्सप्लेनेशन देती है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स को ध्यान रखते हुए इस दुनिया को देखें तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि इस दुनिया में सब इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। ए बी सी डी, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा हुआ है, और डी ई से जुड़ा हुआ है, और ए ई से जुड़ा हुआ है, सी ई से जुड़ा हुआ है, और ऐसे करते करते दुनिया के 700 करोड़ लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा जरूर होता होगा आपके साथ कि आप किसी को याद करते हो तब कभी कभी उसी समय उस इंसान का फोन आ जाता है, और कभी कभी वो इंसान खुद ही आ जाता है। तब हम ये कहते हैं कि अरे मैं अभी तुम्हीं को याद कर रहा था, या ग्रुप में ये कहते हैं कि अरे तुम्हारी ही बात चल रही थी। जानते हो ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक इंसान का दिमाग हर दूसरे इंसान से कनेक्टेड है कॉन्शियसनेस के लेवल पे, और इसलिए आप उसे अट्रैक्ट कर लेते हो। और इसी तरह इस कनेक्शन के चलते उस जीरो थॉट की स्टेट में आप किसी की भी माइंड पढ़ सकते हो। ऊर्जा एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रैवल करती है। जो आप सुनते हो ना आशीर्वाद या फिर बद्दुआ, वो सब जानते हो क्या होता है? वो सब थॉट्स हैं, सिग्नल्स हैं, जो हर एक इंसान को इफेक्ट करती है। जो आशीर्वाद या फिर बद्दुआ होती है वो ऐसे ही काम करती है। जब आपको कोई आशीर्वाद या फिर बद्दुआ देता है तो वो आपको सच में इफेक्ट करता है। जब आपके बारे में कोई अच्छा या बुरा सोचता है तब वो थॉट एक वाइब्रेशन के रूप में बाहरी दुनिया में चली जाती है। वो ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एग्जैक्टली कहूँ तो दिमाग से दिमाग में जाती है। नॉट जस्ट द फिजिकल ब्रेन बट कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक गहरी लेवल पे जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक पत्थर मारने पे एक वेव पानी में आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में वो थॉट वाइब्रेशन के रूप में ट्रैवल करती है। और माइंड रीडिंग भी ऐसे ही होता है, किसी दूसरे इंसान की सोच आपके पास आ जाती है उसी कनेक्शन के चलते। तो यही था माइंड रीडिंग का विज्ञान। ये जो टेक्निक्स और बातें मैं आपको बताया वो आपको कैसा लगा
नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ साथ शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।